मशीनें ख़राब थी कई जगह पे, 25 से ज़्यादा मशीनें ख़राब थी और उसको 2-3 घंटे से ज़्यादा लग गए लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हुए। मैं समझ तो कई जगह पर ख़राबी थी, उसको बाद में रिस्टोर किया लेकिन काफ़ी वक्त यहाँ पे लगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर को कि कहीं पर भी फार फ्लंग एरिए में साथ ही मशीनें अवेलेबल यहाँ पर हो। कई कंप्लेंट यहाँ पर और इमीडिएटली कंप्लेंट जो थी वो DC के तरफ ऑफिस में पहुँचाएगी और इमीडिएटली उसका डिस्पोजल भी यहाँ पर हुआ। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन खुद देखना चाहिए, ऐसे बंदोबस्त में कहीं भी कभी ना आ पाए, लेकिन जो चीज़ें देखने को मिली उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जम्मू पूंछ में जिस ढंग से कुछ कंप्लेंट्स आई थी पूंछ जैसे ज़िले में परसेंटेज काम करने की कोशिश, तो हर चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसा कहीं पर नौबत ना आन पड़े। अभी कई फेज़ की इलेक्शन यहाँ पर होनी है, इन चीज़ों का ध्यान रख के सरकार इलेक्शन कमीशनर अपने फैसले बिल्कुल कई जगह पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए कोशिश की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ जिस ढंग से लोगों का जोश था लोग जोश के साथ परसेंटेज बढ़ा पाए और नतीजे अच्छे होंगे जिन चीज़ों को लेके हम मैदान में यहाँ पे उतरे हैं कि अमन और भाईचारा, उन चीज़ों की निशानदेही यहाँ पे होगी जब रिजल्ट निकलेंगे। और नतीजा मेरे कहने का मकसद जो है वो यही है कि नतीजे अच्छे होंगे, लोग अमन और भाईचारे के साथ रहेंगे।